So if I am going now we have to calculate the electric field strength due to a point charge. Okay. Let us imagine we going to put charge place place. This is Q. Okay. We question to लिखोनी draw कर दो ची बहुत सी बुझा पे try करो पे okay. तो ये हमारे कौन अच्छी बोले Q आओ ये पाके मन कर कौन अच्छी हमारे बोले point charge जो है that is Q naught Q zero जो हम कोचे बाकी Q naught भी कर पे बेटर होगा okay. तो हमें भी कौन लिखो ची बोले due to the point charge हमारे electric field strength कितने हो ची let us imagine हमारे distance पे हम लोग ची R ठीक हो ची बोले point Q गोटे गोटे हमर चार्ज होची पले q q नॉट होची सेटिंग डिस्टेंस हमर कोन पले गोटे पॉइंट चार्ज आछे हमरो r डिस्टेंस रे ठीक होची आउ दी जण ऊपर कोन पले हमर किछि फोर्स अप्लाई करचुन पले तो मु इमेजिन करछि हमरो q नॉट जो मो चार्ज टा लेछि पले मो तुम लास्ट क्लास भी कहितले हम जनरली पॉजिटिव ही नो पले तो अब लेट अस इमेजिन देखो जदी एटा गोटे हमर पॉजिटिव चार्ज होची एटा भी जदी हमर गोटे पॉजिटिव चार्ज होची पले तुम जान छ पले हम कोन होची पॉजिटिव विल रिपेल द पॉजिटिव प्ले तो सेम जिंस हमर होबो ए चार्ज को रिपेल करबो तो फोर्स और डायरेक्शन प्ले ऑब्वियसली आगु जीवो ठीक ना नै बिले फोर्स और डायरेक्शन ता सेपडे ही जीवो काहे कि तमरो चार्ज ता जो पड़ जीवो फोर्स ता भी सेपड जीवो ऑब्वियस कथा बिले तमरो ठीक अछि तो एठे हम बिले कैलकुलेशन करे बिले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ठीक अछि हमर फार्मूला कोन हम बिले E F Q नॉट हमें जान जे पले दिस इज इक्वेशन 1 हमें मन कर देगा पले ठीक अछि तो नेक्स्ट हम कोन देखिबा ओके f का कैलकुलेशन करबा पले इट इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द कूलम्स लॉ और द कूलम्स फोर्स फार्मूला पले हमरो वी नो f इज इक्वल टू व्हाट बीटा q1 q2 बाय r स्क्वायर होनेबले देखो हमें पढ़ी थे q1 q2 by r स्क्वायर किंतु ए केस हमर कोन अछि q q नॉट ठीक अछि तो q1 जगह हम पकेले q आ q2 प्लेस हम कोन पकेले बिल हमरो q नॉट पुट कर देले बिल तो हे हमर फार्मूला बिल r त हमर डिस्टेंस हम सेम अछि हम नीचे ठीक अछि तो लेट दिस इक्वेशन 2 नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 दिस विल बी e इज इक्वल टू बीटा q अच्छा सर इटा q q नॉट बाय r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय q नॉट विल बी कैंसिल आउट सो इट इज इक्वल टू बीटा q बाय r स्क्वायर सो दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एनी चार्ज पले ठीक अछि तुमको केवल खाली डिस्टेंस हम दरकार तुम जे भी देखि परथो बले पाकरे डिस्टेंस दरकार आ हम चार्ज केते अछि तुम सिद्धि दरकार बले so you can calculate the electric field strength okay so that is our electric field strength अच्छा हो e is equal to beta q by r square और beta ये पहले तुम जान चुके पहले कौन कौन तुम्हारा तुम्हें SI सिस्टम में तुम वैल्यू बुक के परिवर्तन तुम 9 into 10 to the power 9 that is 1/4 epsilon naught और in CGS सिस्टम तुम बुक के पहले कितना तुम्हारा 1 you know that so हम बेसिकली डिस्कशन करने के लिए परे ठीक हो ची So this is electric field strength और ताको नेकी गोटे छोटा प्रॉब्लम गली ओके दैट्स इट ओके सो नाउ वी विल सी अनदर थिंग दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखो जतले मो इलेक्ट्रिक फील्ड कथा स्टार्ट करछि बिले आ इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ कथा मो कहली जदि मो बाकी तुमको लाइन्स ऑफ फोर्स विषय किछ न कहूछि देन कथरा हम रिपोर्ट सोडी जो बिले ठीक अछि मका पूरा पूरी इरेज कर दोछि हमें लिखिया बिले हमर कोन नेक्स्ट टॉपिक हमरो लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली बिले बेटर तमे जदा कहि पाइयो बिले हमरो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मु ब्रैकेट लिख दोछि बिले तमरो इलेक्ट्रिक ओके आप एक्चुअली मु लिखि देले भलो हेता बिले हमरो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काहे कि because our lines of force our magnetic lines of force we exist korche so in this case we are studying about the electric lines of force acha so what is your lines of force dekho lines of force force means hame janche pile dita jinso bhitare amar gode kon achi pile common force gode thae any type of force pile to ame pakri kon korche pile ame electrostatic force ame discussion korche तो इथे हमर कोन आसे अपने लाइंस ऑफ फोर्स पुरे फोर्स अपने लाइंस कोन नॉर्मल तो बड़ा फोर्स है देखो এই যে লাইনস বিষয়ে हम ডিসকাশন করছ না লাইনস অফ ফোর্স অফ তার ডেফিনেশন মত আমি কই দিউছ পিলে ওকে সো লাইনস অফ ফোর্স ইজ অ্যান ইমাজিনারি লাইন ওকে ইট ক্যান বি স্ট্রেট লাইন ইট ক্যান বি কার্ভ লাইন ইট শোস the strength of electric field. It is an imaginary line. It can be a curve or a straight line, which shows the electric lines or electric field or electric force field. देखो, इटा तुम्हारा आउट जगह definition की तुम्हारा अच्छी के लिए कोड है पर तुम्हारा lines of force is a force which starts from positive charge ends at negative charge. देखो, इतने जैसे बुझिया दरकार नहीं, simple तो बुझे दो चीज़ ले तो हमरा मनकर कोन छ हमर गोटे लाइंस हमर चार्ज अछि सिंपल चार्ज ठीक अछि एबे ए जो चार्ज चारि पाखर हमर फील्ड अछि पले सेम कांसेप्ट हमरो देखो जदि मु कोन करछि ए भितरे मु कोन करछि एनी गोटे चार्ज गोटे ड्रॉप करछि आइदर दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव जदि पलेडा हम कोन होछि पॉजिटिव चार्ज होछि ये ताको रिपेल करबो और जदि एटा कोन होछ पे नेगेटिव चार्ज होछ बिला हमरा सेटा को अट्रैक्ट करियो परे ठीक अछि तो लाइंस ऑफ फोर्स रो डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन दा मु तुमको एबे कहबे जाउछ बिले लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू व्हिच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स आउट रिपीट करछ बिले इट इज द लाइंस ऑफ फोर्स इट इज एन इमेजिनरी लाइन सो इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू व्हिच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स अच्छा यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने कोन बिले ए पाखरे गोटे टर्म तबु इंट्रोड्यूस करछ पिला हमरो टेस्ट चार्ज मन रखो पिला में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी कहि परिया पिले यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने तार मैग्नीट्यूड होछ 1 यूनिट पॉजिटिव तो डायरेक्शन तुम जानलो पिले तार पॉजिटिव ता ओके तो देखो पिले इफ इट इज ए पॉजिटिव चार्ज ये कोन करियो पिले पॉजिटिव को हमरा रिपील करिवो ता माने सेम लाइन रे आपको रिपील करछ पिले पॉजिटिव पॉजिटिव रिपील कला ए जो इमेजिनरी लाइन दा सृष्टि ना निके दिस इज कॉल्ड द लाइंस ऑफ फोर्स अदरवाइज लेट इट नेगेटिव देखो से पॉजिटिव कहछ पिले बट तुमको नेगेटिव रे भी देखि दोछि गुडे नेगेटिव चार्ज पिले कोन हमरो ता आरो को भी आकर्षित होबो दैट मींस एटा भी गुडे लाइंस ऑफ फोर्स हे परिबो किंतु बाय डेफिनेशन वी ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट द पॉजिटिव चार्ज पे ठीक अछि ता बिषय आगो भी तुम कहि पिले अब काहे कि पॉजिटिव चार्ज नि आइ सेटा भी तुम कहि पिले कने बहुत जन को डाउट है जे सर आप पॉजिटिव चार्ज कोन पे रे हैला कि देखो ए पाखरे टिके बुझवा जिंस में अछि पिला ओके माने मु तुम कहया कथा कि तमरो लाइंस बोली सेमति किछ नाही गोटे जिंस हम रखिले बाहर मु जहां भी मोर कोन कली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखिले कि जहां पार्टिकल रखिले आइदर से मु ताको अट्रैक्ट करली और रिपील करली पले दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज बट जो लाइन से अट्रैक्ट करिवो मु मन कर कोन करछि गोटे जिंस को धरे कि गोटे आरो झिकिले मु आरो हां पुल करली बा पुश करली तो जो लाइन से मो पाखा आसीबो बा जो लाइन से मो पाखरो जीवो बेले दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइंस ऑफ फोर्स वेरी सिंपल तो नाउ लाइंस ऑफ फोर्स में से हम आउट के जन से पढिया पले तमरो तारो प्रॉपर्टीज तार किछ प्रॉपर्टीज पढिया पले ता पर हम ताको भल से जानि परिबा तो प्रॉपर्टीज यू सी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मो पले कोन कोछि गोटे लाइन लिखि दोस तुम पई आ ताके एलाबोरेट कर देबी ठीक अछि तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पिले तमर होची सो लाइंस ऑफ फोर्स इज ए कंटीन्यूअस स्मूथ लाइन सो इट कैन बी कर्व और स्ट्रेट लाइन ओके कर्व और स्ट्रेट ठीक अछि पिले सो कंटीन्यूअस स्मूथ लाइन पिले तमर होची लाइंस ऑफ फोर्स ओडे डिसकंटिन्यू केबे भी हिनो दिबो ओके गोटे पूरा कंटीन्यूअस मतलब देखिले जे जेबा कंटीन्यूअस कोडे आसीला स्ट्रेट लाइन देखिली तुमको कर्व केते हबो सेटा भी तुमको शो करछ जस्ट के परे ठीक अछि सेकंड पॉइंट मन रखो पहिले एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तमरो लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव एटा पहिले केते हमर एप्लीकेबल होबो जेतेला पहिले हमर कोन होछि गोटे प्लस चार्ज रहबो आउ हमर माइनस चार्ज रहबो तमे कहबो सर प्लस तो गोटे हमर कोन अछि लाइंस ऑफ फोर्स अछि माइनस रे हम लाइंस ऑफ फोर्स अछि पिले जोटा मु टिके त शो कर दोछि बेटर होबो लिखि के ओके लिख दोछि पिले स्टार्ट्स एट पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव देखो सपोज इट इज ए पॉजिटिव चार्ज इट इज ए नेगेटिव चार्ज ए पाखरे मु तुम और जिंस डिस्कशन कर दे पिले लाइंस ऑफ फोर्स हमरो कोन बिले देखो जदि मुझे कौन कर पॉजिटिव चार्ज रखुच पे तो या कौन कर आउटसाइड तुम जीव पे कहीं प्लस प्लस को रिपेल कर सो ऑब्वियसली आउटसाइड माइनस टे कौन कर प्लस को कौन कर अट्रैक्ट कर इनसाइड ठीक अच्छे ना नहीं ओके देख ए पाखे आम कौन जदि मुझे कौन कर प्लस को माइनस को रखीदे ठीक अच्छे प्लस को माइनस को हम रखीदे पे कौन हम ये हूँ गोटे स्ट्रेट लाइन ये हूँ गोटे स्ट्रेट लाइन एटा भी गोटे प्रॉपर्टी पे कौन लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज मन रख पे लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज जोटा कि नेक्स्ट पॉइंट कहबी तुमको है कि तो देख यूनिवर्सल देख ए पाखे आम जस्ट खाली गोटे टेस्ट पे पॉजिटिव चार्ज नहीं चले तुम कह कि सर नेगेटिव चार्ज कौन पे नहीं देख नेगेटिव चार्ज नहीं भी चलता जदि हमें नेगेटिव चार्ज नहीं थाते तो लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्शन दा प्लस पाई इनवर्ड ही था माइनस पाई हमर प्ले आउटवर्ड ही था एठी हमर कोन हिच प्ले प्लस पाखे हम जदि प्ले प्लस रखुचे पॉजिटिव चार्ज रखुचे सो या रिपेल करछे सो लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव इट इज आउटसाइड आउटसाइड मींस व्हाट हमर कोन प्ले हमर परपेंडिकुलरली आउटसाइड सिमिलरली नेगेटिव पे भी हमर कोन होछ प्ले जेतु प्लस चार्ज हमर प्ले दा अट्रैक्ट करछे सो इट इज इनसाइड रे जतरा हम कोन करछे प्लस माइनस को पाखो काउंट छे सो इट बिकम्स लाइक ए कर्व ए बोले पॉजिटिव रो बाहर छे नेगेटिव रे पसु छे सो एठे हम कोन कहले प्ले लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव ठीक अछि ओके आ गोटे प्रॉपर्टी तुम कहू छी प्ले तो प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टी नंबर कोन प्ले तुम जस्ट हम कहितली the tangent gives direction okay tangent means what you see this is a charge okay so charge रो हमें कौन कर ले गोटे मूव एबे सेम जो एग्जांपल आउट रिपीट कर छु पिले गोटे पॉजिटिव चार्ज रो गोटे नेगेटिव चार्ज तमन कोन लाबिले लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्शन गला जदी मोरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिली ये कौन करछि ए पाखु को मूव करछि अच्छा तो एबे मते को पिले ता डायरेक्शन कि डायरेक्शन जदी पचाई माने पिले देखो ए पाखरे हमर फिजिक्स आउ टिके हमर नॉर्मल भितर हमर टिके डिफरेंस ता कोन एटी मो डायरेक्शन पचाले समस्त कहबे कि सर एपोर्ट तो एपोर्ट गला अपन डायरेक्शन कोन पचार छथि एटा तो गोटे माने इनवैलिड क्वेश्चन बोले हले किंतु एक्चुअली पिले फिजिक्स से जदी हम डायरेक्शन पचारे पिले तमे कहि परिबे जे बुली कि सेडा गला कोन गला से एते जिंस नाही पिले नॉर्मली तुमको कोन करिया बोले पिले गोटे पार्टिकुलर डायरेक्शन देखिया पड़िबो तो गोटे कर्व लाइन रे पार्टिकुलर डायरेक्शन कोन पिले देखो जो पाखरे भी तुमको डायरेक्शन पचरा हबो तमे पले कोन करबो से पाखरे हम गोटे टैंजेंट ड्रा कर दो ठीक अछि तो ए जो टैंजेंट कोन करबो तार डायरेक्शन दो यदि मु ए पाखरे डायरेक्शन ड्रा करी माने दिस टैंजेंट गिव्स डायरेक्शन एठी मु ड्रा कले ये भी ता डायरेक्शन ड्रा कले तो गोटे पार्टिकुलर पॉइंट रे पार्टिकुलर डायरेक्शन तुम राशियो पले गोटे माने कोन गोटे कर्व लाइन रो परफेक्टली तुमरा डायरेक्शन के भबनी एनी पॉइंट तमे जो पॉइंट कहबो से पॉइंट तमर अलग अलग डायरेक्शन आसीबो गोटे छोटो एग्जांपल एबा दोछ बेले गोटे बहुत सिंपल हमरे जोडा डे टू डे लाइफ ला यूज करछे तमे पिला मान देखो पिले बहुत टाइम कोन करथिबो गोटे इमेजिन करो गोटे लंबा सूता अछि पिले ठीक अछि लंबा सूता रे हम कोन करछे गोटे एंड रे गोटे बॉडी गोटे ठीक अछि गोटे पत्थर गोटे गोडी गोटे जहा भी हो ताको तमे बांधि दो आ ताको तमे धरि की आ गोटे एंड रे कोबले कोन करबे ताको इति बुलेबो इमेजिन करो पिले तो हम कोन करछी गोल गोल बुले छुले तो बुले की पिले कोन करछी हमें जो डायरेक्शन हमें छाड़ दोछे देखो इमेजिन करो बुले की हमें जो डायरेक्शन में छाड़ दोछे पिले कोन होछ हमरो एंती गोल गोल बुलोछे जो डायरेक्शन छाड़ले से डायरेक्शन पे सीधा पळे आसीबो से केबे भी गोल गोल चक्री भला बुलिबो नि तुम निजे इमेजिन करि परतबो मजा कहूची ठीक अछि ना नहीं तो ए वाला जिंस पे तुम जत्ते गोल गोल बुलाओ जो पॉइंट तुम रिलीज कर दबो से पॉइंट से सीधा मूव कर दबो and that is the tangent ठीक अछि सेडा पे हम कोन करछ पहिले गोटे पर्टिकुलर जिंस जोडे के हमर फोर्स रे बुलुची बा जोडे कर्व लाइन रछि तार टैंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन रॉकेट भी पिले तुम रॉकेट भी तमर जहां भी हम लिफ्ट होची बा तमरो तल को डाउन होची तुम लिफ्ट कोला टाइम रे देखियो पिले तमर पर्टिकुलर डायरेक्शन तमर कोन होची ऊपर को भी होची आउ हॉरिजॉन्टल भी होची पिले तो से जो पर्टिकुलर टाइम रे तार दुईटा कंपोनेंट आसीबो हमर गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आउ तोर पिले कोन हमरो वर्टिकल कंपोनेंट बुझि परतबो तो से पर्टिकुलर मोमेंट रे से जाउच कोआडे हमें कौन बोलते हैं ता टांजेंट माने से टांजेंट जो पटे तार मूव करछ डायरेक्शन से पटे से जाउ छ ए टाइप रे फिजिक्स से डायरेक्शन को हमें प्रेडिक्ट करबे ओके तो छाड़ो ए जिंस पे हां देखो तो टांजेंट गिव्स द डायरेक्शन नंबर 4 ओके नो टू लाइंस ऑफ फोर्स can intersect with each other एडा भी उडे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट पिले दुईटा लाइंस ऑफ फोर्स केबे कहा संगे इंटरसेक्ट करिवे नाही टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट व्हाट हैपेंस देयर विल बी टू लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच इज सॉरी देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ ए लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल देखो जस्ट हम सेम दे एग्जांपल ले कोच पिले प्लस माइनस दिस इज आवर व्हाट लाइन्स ऑफ फोर्स मन कर एटा गोटे लाइन्स ऑफ फोर्स पिले मु तुम कहली कि आ गोटे मन कर लाइन्स ऑफ फोर्स होची ए होया पिले ठीक अछि डायरेक्शन दा बितो ए दिटा हम कोन पिले इंटरसेक्ट कलेबे अच्छा ए जो जेंसो इंटरसेक्शन दा पॉसिबल की काहे कि पॉसिबल ना बोल कोच पिले देखो जदी मु कोन कोची ए जो पर्टिकुलर पॉइंट रे डायरेक्शन बाहर करे पे ट्राई करिबी तो आई हैव टू ड्रा ए टेंजेंट स्पर्शक पिले तो मु जदी टेंजेंट ड्रा करछि गुटे मोर एमिति आसीबो गुटे मोर एमिति आसीबो दैट इज गुटे पॉइंट पई दीटा डायरेक्शन दिले कि पॉसिबल होबो कि गुटे पॉजिटिव चार्ज टा पले मूव करछि पॉजिटिव रो नेगेटिव तो से पॉजिटिव चार्ज टा आइदर गुटे डायरेक्शन जिवो दीटा डायरेक्शन जिबार तो क्वेश्चन भी माने उठने पले तो एठी हमर केमे रिप्रेजेंटेशन करिवो सो जेहेतु ए जो थ्योरी हमरो जिनसो कॉन्ट्राडिक्ट करछि that's why no two lines of force can intersect with each other why because if they intersect at the point of intersection two directions of a particular time is there that is practically impossible that's why we say no two lines of force intersect each other okay number 5 it is always perpendicular to the surface मोटिके शॉर्ट लेखु छिले बिकॉज़ शॉर्ट लेखनल टाइम हिजबो ब्लैक बोर्ड में खोली जाउ छी व्हाइट बोर्ड टा ठीक अछि मन को पिले लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज ठीक अछि मु तो एबे जस्ट के हम कहूतले आउट भी कहि दउ छिले ए बले तमरो परपेंडिकुलर पूरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज ठीक अछि तो नंबर 6 ओके नंबर 6 पिले हमर कोन होछि देखो जदि हम कोन होची गोटे लाइन्स ऑफ फोर्स हमर बहुत गुड अछि पिले गोटे पर्टिकुलर जिंस हमर बहुत गुड लाइन्स ऑफ फोर्स अछि इफ दे आर क्लोज टुगेदर इफ दे आर वेरी क्लोज टुगेदर देन वी कैन से द फील्ड आर वेरी स्ट्रांग एंड इफ दे आर वेरी फार अवे देन वी कैन से द फील्ड इज वीक ठीक अछि अच्छा ताकू बुझे पे मो टिके ऊपर भी ताकू लेबोज पिले जिंस उडा को देखि दियो टिके अच्छा फास्ट मते लिखि दियो जे पखरे if they are close together field strong if they are what far apart then field weak how it is possible play dekhi diyo dige It is positive charge. Let what happens? Okay, number of lines of force like this one, this one, this one. देखो पहले असंख्य lines of force था। हमें तो देखी पाई खाली आखिरी तो unlimited तुम्हारा मैंने बहुत गुड lines of force था। देखो मुँह तुम कौन को लिखले if they are close together मैंने तुम्हारा lines of force जो दिखले बहुत पाखरे पाखरे थांती से कुछ field is strong. If they are far away far away लिखले बेटर हो पले if they are far away ठीक अछि जदि तमर लाइंस ऑफ फोर्स पिले तमर जदि far away थाए देन से कोछि पिले हमर फील्ड इज वीक प्रैक्टिकल प्रूफ देखिया पिले देखो ए जो मु तुम ड्राइंग ता देखिले पिले देखो लाइंस ऑफ फोर्स ता ए पाखरे पाखे माने पूरा पूरी क्लोज अछि ना ए पाखरे पूरा पूरी क्लोज अछि जदि मु कोन करछि पिले गोटे मन करो ए साइज रो गोटे मन करो सर्कल ता जदि मु ए पाखरे गोटे ए साइज रे सर्कल ला ड्रा करछि पिले ए पाखरा हमर पाखा बाकी 1 2 3 4 5 6 7 पाखा बाकी हमर कोन होची लाइंस ऑफ फोर्स हमर क्रॉस करियो छी पिले किंतु जदि मु कोन करछि बले ए टाइप रो सर्किल मु कोन करछि एई पाखरे ड्रा करछि तो मात्र दीटा देले देखो पाखरे जदि मु कोन करि बले जो साइज रो सर्किल को ड्रा कले सेडा हमर कोन पाखा पाखी 6 टा के साथ लाइन्स ऑफ फोर्स को आराम से क्रॉस कर दोछि दैट मींस व्हाट दे आर वेरी क्लोज टुगेदर बले अब टिके जदि मु फार अवे को गली टिके दूर को गली बले से कोन हमरो हां जस्ट दीटा लाइन्स ऑफ फोर्स मोर क्रॉस कला सो मु ए पाखरे गोटे कंक्लूजन रे मु बाहर लिजे देखो एडा हो हमरा वीक फील्ड एडा हो हमरा स्ट्रांग फील्ड प्रैक्टिकल देखिया बेले तुम गागर मु कोन होई छी चार्ज पाखरे हमरा फील्ड आ होची स्ट्रांग चार्ज तो हमें जते दूर को दूर जीवा फील्ड हो हमरा वीक सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल बेले निजे तो देख पड़तो जते हमरा अधिक क्लोज होइबे सेटा हो हमरा फील्ड स्ट्रांग जते हम दूर को गले अधिक हम टिक फार होवे पलासला फील्ड हो हमरा वीक तो दिस इज हो हमरा बेले पॉइंट नंबर 6 ठीक अछि देखो प्ले जहां तुम बुझुजी गोटे गोटे ताको नोट भी करथो प्ले समटाइम्स तो 4 5 6 आदा 7 प्ले तो 7 नंबर कोन कोन प्ले हमरा जिनसडा ओके सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट प्ले तमरो कह दोची लास्ट वन बिल तमरो आउ तमरो से किसी नाही प्राय देखो लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गुड तोर पार्टिकुलर कंडक्टर अछि कंडक्टर भीतर देखि तोर केबे भी लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करबो नाही एडा सबले मन रखबे गोटे मैग्नेट भीतर केबे तोमरो लाइन्स ऑफ फोर्स न थाए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बा तोमरो इलेक्ट्रिक वायर भीतर केबे इलेक्ट्रिसिटी न थाए इलेक्ट्रिसिटी रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट भेले एडा आगु भी तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी रे बहुत जिंस पढाओ भेले गोटे तुम जदि मोटा इलेक्ट्रिक वायर भी तुम ले जाओ बा तुम घरे भी तुम जहां इलेक्ट्रिक वायर देखिछो बले लेट इट इज ए देखो ए जो हमर कोन अछि बले मार्कर अछि बले से मार्कर जदि इमेजिन कर जेडा बडा हमर वायर बले इलेक्ट्रिक वायर रो केवल खाली सरफेस दे के हमर कोन होछि इलेक्ट्रिक लाइन्स हमर फ्लो होछि केबे भी तुमरो इलेक्ट्रिक वायर रो भीतर पूरा जो हमर भीतर केबे भी इलेक्ट्रिक हमरो फोर्स फ्लो होबो नाही ओनली ऑन द सरफेस मन रखरा के चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस नॉट इनसाइड दैट्स व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ठीक अछि बिले ओके सो लिख दो बिले पखरे दे मींस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दे डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर ठीक अछि बले ओके सो दीस आर ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्चुअली आउडी भी तमर प्रॉपर्टी अछि बले 8 नंबर प्रॉपर्टी दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज ठीक अछि तमर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमर जदि कॉन्ट्रैक्शन हे परबो लेंथ वाइज ठीक अछि आ से हमर इंटरेक्शन बले तुम बते दे बले बेसवा नै तो आज में एथि पिला हमरो आज हम कोन पढ़ले इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स द केमिति हमर इंटरेक्शन करछि ठीक अछि तो आज में एथि होबले थैंक यू